असी अपने मोबाइल नू आधार कार्ड दे नाल लिंक किवें कर सकते हैं, क्योंकि अजकल बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया कि अपना मोबाइल जिहड़ा आ उह आधार कार्ड दे नाल लिंक होना चाहिए है। सो उह आपां किस तरह कर सकते हैं, आपां जिहड़ी ऑनलाइन है उहदी अपडेशन नहीं कर सकते बट उहदी अपॉइंटमेंट जिहड़ी फिक्स कर सकते हैं। सो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फस्ट तुसीं गूगल दे उत्ते सर्च करना आ UIDAI.gov.in। जदों तुसीं ये सर्च करोगे तो ये एक वैबसाइट जिहड़ी आ ओपन होनी आ। तुसीं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुसीं नीचे क्लिक करना आ बुक एंड अपॉइंटमेंट दे उत्ते तुसीं क्लिक करोगे। जदों तुसीं बुक एंड अपॉइंटमेंट ते क्लिक करोगे तो एक नवी विंडो जिहड़ी आ ओपन होवेगी। हुण इस विच की आ, नीचे थोड़ा देखोगे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट तुसी सिलेक्ट सिटी लोकेशन दे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर तो थोड़ी अगर सिटी ये आ रही आ, अगर थोड़ा जिहड़ा सेवा केंद्र आ वो ये मिल गया थानू, तो तुसी ये चूज़ करके जिहड़ा नैक्सट प्रोसीजर आ वो क्लिक कर सकते हैं। बट अगर जिस तरह मैनू नहीं ये मेरी सिटी का जिहड़ी आ वो मैनू नहीं मिलिया, सो मैं ये सर्च तो काफ़ी की बट नहीं मिलिया, सो मैं की क्लिक किया नीचे वाली ऑप्शन जिहड़ी आ बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर, उस उत्ते क्लिक किया तो एक नवी विंडो जिहड़ी आ वो ओपन हुई। हुण इत्थे तुसीं सिलेक्ट करना अपनी रेजिडेंट, तुसीं इंडियन रेजिडेंट हो तो रेजिडेंट ते क्लिक करना। अगर तुसीं मोबाइल नंबर दे उत्ते OTP सेंड करना चाहुंदे आ दैन जां फिर ईमेल ID ते। हुण देखो आपां मोबाइल नंबर अपडेट भी करना हो सकदा ते पहली बार जिहड़ा लिंक भी करना हो सकदा, सो मैं जिहड़ा मोबाइल नंबर दे नाल ही कर रही हाँ। मोबाइल नंबर मैं अपना एंटर किया, सो उहदे उत्ते उस तों बाद मैं जदों प्रोसीस करूँगी तो मेरे मोबाइल दे उत्ते एक OTP आएगा। फस्ट मैं इहदे विच जिहड़ा आ इह कैप्चा कोड जिहड़ा आ उह टाइप कर दिंदी हाँ। जिहड़ा कैप्चा कोड आपां टाइप करन तों बाद आपां सेंड OTP ते क्लिक करांगे, जिहदे नाल आपां नूं OTP अपने मोबाइल मैसेज दे थ्रू आवेगी। सो मैं टाइप कर लैंदी हाँ, सेंड OTP ते क्लिक किया, दैन OTP मेरे मोबाइल दे उत्ते आ चुकी आ। मैं OTP नूं एंटर OTP दे विच जिहड़ा बॉक्स बनिया होया उहदे विच मैं उस अपने OTP नूं टाइप करूँगी। हुण उस तों बाद सबमिट OTP दे उत्ते मैं क्लिक करांगी तो एक नवी विंडो ओपन होवेगी जिहदे विच लिखा न्यू इनरोलमेंट प्लस लिखा होया प्लस दा साइन बनिया। अगर तुसीं फस्ट टाइम इनरोल कर रहे हो दैन उत्ते क्लिक करोगे, अगर अपडेट करना दैन अपडेट ते। आपां अपडेशन्स करनी आ सो मैं अपडेट दे उत्ते क्लिक किया तो एक नवी विंडो ओपन हुई। तुसीं अपना नाम लिखोगे जिन्हां दा आधार कार्ड आ, जिहदे नाल आधार कार्ड नूं आपां लिंक करना। नैक्सट आपां आधार कार्ड दा नंबर लिखांगे जो अपने आधार कार्ड दे उत्ते हुंदा आ। नैक्सट अपने कोल उहनां ने इंडियन रेजिडेंट उही पुछिया, उस तों बाद जिहड़ी चेंजेस तुसीं करना चाहुंदे हुण कि आपां मोबाइल जिहड़ा आ उह लिंक करना चाहुंदे, सो आपां मोबाइल दे उत्ते क्लिक करांगे। मैं नाल ही ईमेल ID वी जिहड़ी आ उह वी जिहड़ी अपनी अपडेट कर देना चाहवांगी कि अपडेट ईमेल ID वी कनैक्ट हो जाए मेरे आधार कार्ड दे नाल। सो मैं नैक्सट प्रोसीड दे उत्ते क्लिक करांगी तो एक बॉक्स मिलेगा, वह कन्फर्म करन दे लई थानू पुछूंगी कि यही थोड़ा आधार कार्ड नंबर, दैन ओके ते क्लिक कर देना कन्फर्म करके। फिर उस तों बाद अपना मोबाइल नंबर जिहड़ा तुसीं मोबाइल लिंक करना चाहुंदे उह मोबाइल इत्थे तुसीं देना आ, उह मोबाइल तुसीं इत्थे दोगे। उस तों बाद कैप्चा कोड जिहड़ा उह प्रेस करना, इसदेले पासे मैं ईमेल ID वी नाल ही दे दिंदी हाँ। ईमेल ID मैं टाइप की, नाल ही मैं जिहड़ा उसका कैप्चा कोड आ वह भी प्रेस किया। फस्ट मैं जिहड़ा आ मोबाइल का OTP ले लैंदे हाँ। मैं जो सेंड OTP दे उत्ते क्लिक किया दैन ए वाला जिहड़ा OTP आए मेरे मोबाइल दे उत्ते आएगा, सो जिहड़ा इधर ईमेल वाला OTP आ वह मेरी ईमेल दे उत्ते आएगा। सो मैं जिहड़ा OTP यह जिहड़ा अपना टाइप कर देवांगी ते OTP नूं वेरीफाई कर लांगी। हुण मेरा यह जिहड़ा OTP आ वह वेरीफाई हो गया आ, ते दैन इधर जिहड़ा मेरा ईमेल दा OTP आ मैं उहनूं भी टाइप करांगी तां कि मेरी ईमेल भी जिहड़ी फस्ट मैनूं की आ हुण ईमेल दे विच जाके अपना OTP लभना पैना आ। उहदे विच मैनूं मैसेज आया होणा, सो मैं की करांगी पहलां अपनी जीमेल ओपन करांगी। जीमेल दे विच की मैं अपना फस्ट अपनी जिहड़ी जीमेल मेरी ID होवेगी उहनूं टाइप करांगी। तुसीं उस अपनी ID नूं जिहड़ा टाइप कर सकदे हो। उस तों बाद तुसीं नैक्सट दे उत्ते क्लिक करोगे, फिर तुसीं अपना पासवर्ड जो भी थोड़ी जीमेल ID दा पासवर्ड आ तुसीं उह पुट करोगे। फिर तुसी नैक्सट दे उत्ते क्लिक करोगे, थोड़ी जीमेल ID ओपन हो रही है। हुण इहदे उत्ते फस्ट मैसेज मैनू आ चुका, आधार कार्ड नंबर मेरा OTP आ चुका आ,
इस ओ टी पी मैं जिहड़ा आ अपने उहदे विच टाइप करांगी उस बॉक्स दे विच। टाइप करन तो बाद मैं वेरीफाई करवा लांगी ओ टी पी ईमेल आई डी वाला, उस तो बाद सेव एंड प्रोसीड करांगी। उस तो बाद मेरी इनफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। एक बार वो कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि यही अपना चैक कर सकते हो तुसी, अपना नेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आई डी चैक करके उस तो बाद टिक करके दैन फिर सबमिट कर देना। इसनों तुसी एक बार जरूर पढ़ लेना और सबमिट कर देना। फिर उस तो बाद उन्होंने अपन अपॉइंटमेंट नंबर जिहड़ा है वो दे दिता है। बट हुण आपां जिहड़ी अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स करनी है कि आपां किहड़ा सेंटर लेना है ते किहड़ी डेट लेनी है। हुण देखो अगर तो तुहानू किसी सेंटर का नेम पता है तुसीं उस सेंटर का नेम लिख के गैट डिटेल उत्ते क्लिक कर सकते हो। मैं जिहड़ा है वो अपना पिन कोड एंटर किया, स्टेट एड की और डिस्ट्रिक्ट। नैक्सट आपां पोस्ट ऑफिस जिहड़ा अपना एड किया कि कित्थे आ, उस तो बाद विलेज जां टाउन जां सिटी जो भी तुहाडा है वो तुसीं उत्थों एड कर लेना। मैं ऐड कर लिया, उस तो बाद तुसी की आ गैट डिटेल दे उत्ते क्लिक करना आ। जो गैट डिटेल दे उत्ते क्लिक किया दैन ICICI बैंक का जिहड़ा आ एक जिहड़ा सेवा केंद्र मैनू मिलिया जिथे जाके मैं चेंज करवा सकती हाँ। बट उस जो मैं हुण ICICI बैंक दे उत्ते क्लिक कर दी कि अपॉइंटमेंट डेट मैनू किहड़ी मिलदी आ, तां अपॉइंटमेंट डेट कोई भी जिहड़ी इत्थे अवेलेबल नहीं आ, नो स्लॉट्स अवेलेबल, सारे रैड होए हुए आ। इट मीनस कोई भी जिहड़ा आ खाली नहीं आ, अपॉइंटमेंट डे नहीं मिल रहा आ। सो मैं इतों की करांगी, जां तां फिर तुसी उपरों बैक कर सकते हो जां फिर तुसी इतों बैक टू योर सर्च रिजल्ट दे उत्ते क्लिक करके बैक जा सकते हो, तो दोबारा क्लिक करोगे चैक अपॉइंटमेंट दे उत्ते। नैक्सट तुसी फिर की करोगे, इतों अपने जिते पिन कोड है पिन कोड के अकॉर्डिंग जिहड़ा है सर्च करोगे सेवा केंद्र। हुण तुहाडे कोल 10 इनरोलमेंट सेंटर्स आ चुके हैं, हुण इन्हां विचों जिहड़ा तुहाडे नीयर पै रहा है तुसी उसनों चूज़ कर सकते हो। सो मैं चूज़ कर रही हाँ सेवा केंद्र फगवाड़ा, ठीक है। सो मैं क्लिक करांगी, सो मैं इतने डेट जी ग्रीन कलर के जड़े आ डेट टाइमिंग हैगी आ, उन्होंने मैं जी 7 जी डेट 7 अगस्त 2020 ले लैनी हाँ। और मैं अपनी टाइम जोड़ा आ वो दस दिनी हाँ कि मैं टाइम किन्ने बजे तो किन्ने बजे तक का लूँगी, और मैं टाइम अपना जोड़ा आ 10 AM जोड़ा आ वो फिक्स कर दिनी हाँ। उस तो बाद मैं सबमिट करूँगी। सबमिट करन तो बाद ये जिहड़ा हुण लिखा हुआ पे एट सेंटर, मतलब 50 रुपीज़ जिहड़े आ तुसी सेंटर दे विच पे करने आ, ते ये तुहाडी जिहड़ी आ कन्फर्म करन दे लई तुसी चैक कर सकदे हो और कन्फर्म कर देना आ। उस तो बाद एक पेज ओपन होना आ, इस पेज नूं तुसी डाउनलोड करके रख लेना जां फिर तुसी इहदा प्रिंट आउट भी कढ सकदे हो। कंट्रोल पी जिहड़ा तुसी कीबोर्ड तो प्रेस करोगे तां तुसी इसनों जिहड़ा आ प्रिंट आउट कर लोगे, बट मैं इस टाइम प्रिंट आउट नहीं कर रही हाँ, सो मैं इसनों कैंसल करूँगी। सो मैं इसनों डाउनलोड कर लैनी हाँ। रेड कलर का सर्कल बने हुए दी विच जिहड़ा डाउनलोड बटन आ, इस डाउनलोड बटन ते क्लिक करके मैं इसनों डिस्कटॉप दे उत्ते सेव कर लैनी, तुसी जिथे भी चाहो उन्हों सेव कर सकते हो। और मैं क्लिक करांगी यस दे उत्ते, ये मेरा जिहड़ा आ आधार अपडेट फॉर्म आ वह सेव हो चुका आ। इस आधार अपडेट फॉर्म नूं आपां अपने नाल लैके जा सकते हैं जदों भी आपां अपनी जिहड़ी अपॉइंटमेंट डे वाले दिन टाइमिंग वाले दिन जाना आ। सो ये सी अज दी वीडियो किस तरह आपां जिहड़ा अपना अपडेट कर सकते हैं मोबाइल जां फिर उन्हों लिंक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड दे नाल। सो ये सी अज दी वीडियो, वधिया लगी तां जरूर कमेंट करके दसना कि वीडियो किहो जी लगी। थैंक यू सो मच। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना, नाल ही बैल बटन दे आइकन ते जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन तुहानूं जल्दी मिल सकन। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।